जंगल राज तो अभी है ना, भाजपा का सरकार मंगल राज है, कितना अपराध हो रहा है हम तो बोल रहे हैं अभी तुरंत, हम रिसेंटली बात बता रहे हैं ना कि हम औरंगाबाद जिले से आते हैं, श्रेया हत्याकांड अभी हाल फिलहाल में हुआ, श्रेया हत्याकांड अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है सरकार। मोदी जी हमारे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है वहाँ जैसे कदम रखते हैं इंडिया हारने लगता है, हार जाता है, तो वैसे ही जैसे डिप्टी सीएम हमारे सम्राट चौधरी बना है ना, आंकड़ा उठा के देखिए कि बिहार में क्राइम और सबसे ज्यादा पुल गिरने का जो काम हो रहा है तो उससे बड़का पन होती है। हम मोदी जी से निवेदन कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से जल्द दरभंगा का एम्स बनवा के और सम्राट चौधरी का हमारा इलाज करवाइए, कहा कि मानसिक रूप से बीमार है, इतना कस के पगड़ी बांध दिन था ना कि नस बैठ गया उनका। अरे मोदी जी आए थे रोड शो के तो लड़की के भाग गए थे मालूम है ना, गलती बात है। इस सरकार तो खाली कहता था कि लाल हुए ऐसे हो रहा है, अब देखिए मोदी जी के रिविजन में क्या हो रहा है, जितना पुल ये भ्रष्ट हो रहा है, ये कहा भ्रष्ट हो रहा है, कारण क्या है, खाली पगड़ी बांधने में बस, पगड़ी बांध के सम्राट चौधरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, में है खुश उपाध्याय। बढ़ते अपराध को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमला कर रही है और इसी बीच तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया जिसमें वो कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर हमला कर रहे हैं और इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जोड़ लिया है। वो बता रहे हैं कि पीएम मोदी को जंगल राज के जंगली सपने सिर्फ चुनाव के वक्त ही याद आते हैं। इसी मुद्दे पर हम आम पब्लिक से जानेंगे कि क्या इस सरकार में ज्यादा अपराध बढ़ गए हैं या पिछले सरकार में ज्यादा अपराध थे। आपको क्या लगता है कि इस सरकार में ज्यादा अपराध बढ़ गए हैं या पहले के सरकार में ज्यादा अपराध थे? इस सरकार में बहुत ज्यादा अपराध है, भाजपा के सरकार में बहुत ज्यादा अपराध हुआ है। एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार यूपी में सबसे ज्यादा क्राइम हुआ, इसके बाद बिहार में लगातार क्राइम होते जा रहा है। हम औरंगाबाद जिला से आते हैं, औरंगाबाद में बहुत हाल फिलहाल में श्रेया हत्याकांड हुआ, उसमें अभी तक भाजपा सरकार निकम्बी सरकार अभी तक खुलासा कर नहीं पाया है। जंगल राज तो अभी है ना, भाजपा का सरकार मंगल राज है, कितना अपराध हो रहा है हम तो बोल रहे हैं अभी तुरंत, हम रिसेंटली बात बता रहे हैं ना कि हम औरंगाबाद जिले से आते हैं, श्रेया हत्याकांड अभी हाल फिलहाल में हुआ, श्रेया हत्याकांड अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है सरकार। आखिर क्या सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है औरंगाबाद को, अभी तक उसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। सबसे ज्यादा अपराध हुआ तो भाजपा की सरकार में अपराध हुआ है। आपको क्या लगता है कि इस सरकार में ज्यादा अपराध हुए हैं या पहले के सरकार? मैं निष्पक्ष रहूंगा, जब मैं बच्चा था मतलब शुरुआत में जब सुनते थे कि भाई जब लालू जी थे उस टाइम पे क्राइम ज्यादा था, पर अभी भी क्राइम ज्यादा ही है, पहले बड़े लोग करते थे अब बच्चे लोग करते हैं। यहाँ बंदूक रखेंगे, मैं आता हूँ सुपौल जिला से, ठीक है, वहाँ दिनआम खुलेआम जो है दिन में अब एनएच पे जा रहे हैं अकेले हैं तो भैया लूट जाइएगा, ठीक। और रही बात सरकार की, सरकार इसमें अच्छा खासा इसमें क्राइम है इसमें, बाकी आप बीजेपी के इतिहास जानते हैं, जहाँ देख लीजिए अरे भैया ये तो हिंदू है, अरे मुसलमान लड़ाओ सालों को। लेकिन लोग तो यही बोल रहे हैं कि जो पहले जंगल राज थे अभी भी लोग का क्या है, लोग तो कुछ कहेंगे पर रियलिटी ये है कि भैया कि बीजेपी यहाँ पे नाकार, जो बीजेपी जो है सही कदम नहीं उठा पा रही है लोगों को मतलब कि अपराध को रोकने में। और रही बात, मैं सुपौल एरिया से आता हूँ, अभी कोसी में पूरा पानी है, अभी जस्ट मैं वहीं से आ रहा हूँ मतलब जो मैंने एक्सप्रेस से आया हूँ, और अभी पानी है उसमें, आसपास के जो एरिया है उसमें वो बंदे सब आ गए होंगे क्या बोलते हैं एनएच पे रहने के लिए या बांध पे रहने के लिए। उसका सरकार जब हर बार बाढ़ आता है तो सरकार जब इतनी सत्ता में रह रही तो क्या कर रही था दिन से, हैं नीतीश सिंह बोलते हैं चचा 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 और चचा कुछ कर ही नहीं रहा, बच्चा ऐसे परेशान। लेकिन जिताया तो यही के लोग ने, हम तो खुल के वोट दिए लालू जी को। आपको क्या लगता है कि इस सरकार में ज्यादा अपराध है या पहले के सरकार में ज्यादा अपराध है? पहले से बहुत कुछ कंट्रोल है, पहले से बहुत कुछ कंट्रोल हो गया है, अब इस सरकार को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, हमेशा अच्छा है, बहुत अच्छा अच्छा काम किया। आज भी इनकाउंटर हुआ, देखे की है, देखी न्यूज ना, आज का इनकाउंटर दो गो हुआ है, आज दो गो इनकाउंटर हुआ पता है ना, आज दो गो इनकाउंटर हुआ पता है ना। लेकिन ये बताइए, जिस तरीके से पुलिस पे भी हमला हो रहे हैं, बालू माफियाओं को पकड़ने के लिए पुलिस जा रही है, पुलिस पे भी हमला हो जा रहे हैं, उसका आप क्या कहेंगे? पुलिस बल कम में जाती है, थोड़ा हो जाता है। क्या मतलब पुलिस बल कम में जाता है? जनसंख्या कम है, थोड़ा जनसंख्या कम, पुलिस जब जाता तो बालू माफिया के पास के पड़ी के छप्पन है बहुत सारा, वो तो अवैध है ना। अरे तो है तो फिर वहाँ है तो सरकार सब सुधार होगा। इस सरकार में ज्यादा अपराध बढ़ गए हैं या पहले के सरकार में ज्यादा? देखिए पहले के सरकार से इस सरकार को कंपेयर कीजिएगा तो पहले लोग बोलते हैं और हमने देखा है, बोलते हैं 6 बजे के बाद लोग नहीं निकलते थे तो बढ़िया घर में रहते थे, 6 बजे के बाद सेफ रहते थे, अब तो दिन दहाड़े हत्या हो रहा है। लेकिन महिलाएं तो उस वक्त सेफ नहीं थी ना, महिलाएं उस वक्त सेफ नहीं थी ना, घर में जब थी 6 बजे के बाद तो सेफ कैसे नहीं थी, जब 6 बजे के बाद रोड पे निकलती नहीं थी तो सेफ कैसे नहीं थी। आज तो दिन दहाड़े बलात्कार हो रहा है, दिन दहाड़े अपहरण हो रहा है, दिन दहाड़े लूट हो रहा है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा?
आज दिन में हो रहा है तब कंपेयर करते रहिए, आप सोचते रहिए, हम तो बोलने का बोल देंगे, आप सोचते रहिए क्या पहले अच्छा था क्या अच्छा है। भाग गए थे लड़की के, मालूम है डगबला चौराहा पर क्या? अरे मोदी जी आए थे रोड शो के, तो अरनिया लेके लड़की के भाग गए थे, मालूम है ना, गलती बात है। बैलून कलर का था उस लड़की के, आप देखे थे क्या? हम देखा थे, वो काटते लेके भागा था। आप बोलिए उसके बारे में कहेंगे कि ये आप ये छोड़िए उसका उड़ने का बात छोड़िए, आप ये बताइए कि इस सरकार में ज्यादा अपराध बढ़ गए हैं कि पहले के सरकार में ज्यादा? और इस सरकार तो अब दिन दहाड़ लोग क्राइम करवा रहा है, इस सरकार तो खाली कहता था कि लालू ऐसे हो रहा है, अब देखिए मोदी जी के रिविजन में क्या हो रहा है। लेकिन महिलाएं लोग तो बोलते थे कि महिलाएं उस टाइम सेफ ही नहीं थी। देखिए लालू जी के बदनाम कर रहा है, अब कौन कर रहा है? अब मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी करवा रहे हैं, वो अपने ही गुंडागर्दी करवा रहे हैं बैठ के। ये आप सुधरने वाला आप उनका से बदनाम ज्यादा ही लोग कर रहा है, लालू जी के तो खाली हवा था। और दूसरी बात, जितना पुल ये भ्रष्ट हो रहा है, काहे भ्रष्ट हो रहा है, कारण क्या है? खाली पगड़ी बांधने में बस, पगड़ी बांध के सम्राट चौधरी क्या बोला है? सम्राट चौधरी ने बोले थे कि हम विकास करेंगे, ये चीज करेंगे, विशेष दर्जा देंगे, ये मोदी जी कहते थे। इसमें मोदी जी की गलती, इसी सरकार की गलती है, अगर पुल गिर रहा है। सरकार आप है बाप, ये सब है बेटा, तो बेटा पैदा किसका करा हुआ है बताइए, बताइए हमको बाप। मैडम एक बात सुन लीजिए, जैसे श्री 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 मोदी जी हमारे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, वहाँ जैसे कदम रखते हैं इंडिया हारने लगता है, हार जाता है। तो वैसे ही जैसे डिप्टी सीएम हमारे सम्राट चौधरी बना है ना, आंकड़ा उठा के देखिए कि बिहार में क्राइम और सबसे ज्यादा पुल गिरने का जो काम हो रहा है, तो उससे बड़का पन होती है, मोदी जी से बड़का पन होती है। ठीक है, हम मोदी जी से निवेदन कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से जल्द दरभंगा का एम्स बनवा के और सम्राट चौधरी का हमारा इलाज करवाइए, कहा कि मानसिक रूप से बीमार है, इतना कस के पगड़ी बांधी था ना कि नस बैठ गया उनका। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात कि जो तेजस्वी ने हॉस्पिटल घर के काम किया है, जो डॉक्टर नहीं आता था निलंबित किया, कुछ किया पीएमसीएच में, ये अपने देखा कहूँ हॉस्पिटल में हमारा क्या है? उप मुख्यमंत्री बन गया, उप मुख्यमंत्री के पावर रखा, पावर का यूज नहीं किया, इसीलिए सुरक्षा मिला, सब सुरक्षा मिला ना, मिला आम जनता को क्या मिला? आप क्या सोच रहे हैं? सरकार में ज्यादा अपराध बढ़ गए हैं कि पहले की सरकार? बढ़ गया है, बढ़ गए, लोग एकदम बोल दिया कि पूरा बढ़ गया। तो आपने सुना कि लोग क्या बोल रहे हैं कि किस सरकार में ज्यादा अपराध बढ़ गए हैं, लोगों के क्या विचार हैं आपने सुना, और इसी तरह खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव बिहार।